हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिपल सी के क्वेश्चंस मिक्स कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो ये कि क्लास होने वाली है ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए क्लास होने वाली है, और इस ट्रिपल सी एग्ज़ाम के क्लासेज में मैं आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग जो कि वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आप लोगों को इस सेशन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आप लोग इस क्लास में कराने वाला हूँ, और डेली ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोग लेकर चला रहा हूँ कि जो कि 6:30 बजे मैं अपने चैनल पर पब्लिश कर देता हूँ। आप लोग जाकर वहाँ से डेली जो कि चैनल विजिट करके देख सकते हैं डेली क्लासेस ट्रिपल सी के लिए, जो कि बहुत ही ट्रिपल सी के स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो कि मिक्स है, सारे चैप्टर वाइज मैंने नहीं लिया, उसमें मिक्स क्वेश्चन लिया मिक्स क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग बता दूं कि इस चैनल में मैं करंट अफेयर के अलावा जो कि ट्रिपल सी के अलावा मैं भी और भी क्लासेस अपलोड किया करता हूं, जैसे कि रेलवे साइंस के क्वेश्चंस हो गए और साइंस के लिए जीके, और उसके बाद से मैथ्स के लिए भी हो गए, उसके बाद से करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर रेलवे की तैयारी भी कराता हूँ और एसएससी जीडी के लिए भी रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं इस चैनल पर, जो कि अपलोड किया भी हूँ और आगे लेके आ रहा हूँ। और करंट अफेयर डेली तो मैं अपलोड किया ही करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी, जो कि सभी ओपन सोर्सेज, उसके बाद से स्केलेबिलिटी, उसके बाद से डाटा रिकवरी, ठीक है। तो ये बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन का ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है HTTPS में यस का मतलब क्या है, मतलब इसमें HTTPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसमें यस जो होता है ना उसे सिक्योर कहा जाता है, ठीक है। सिक्योर इसका यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्योर कहा जाता है। वाट इज़ एस इन HTTPS जो कि HTTPS में S है उसका मतलब क्या है, कोई उसका मतलब आप लोगों को HTTPS का फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप लोग इस सोर्स का पता लगा लेंगे, ठीक है। S का मतलब, या फिर कहीं H पूछ दे, कहीं T पूछ दे, कहीं P पूछ दे, जो भी पूछे आप लोग बता दीजिएगा सिंपली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद से विंडोज़ में डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब कि अगर विंडोज़ जो है उसमें डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए आप लोगों को कंट्रोल शिफ्ट टैब करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल को दाब के प्लस शिफ्ट के दाब को फिर टैप करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैप करना पड़ता है, इससे आप लोग पिछले टैब में जाने के लिए आप लोग चले जाएंगे आज इजीली, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते चलिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि देखिए ये क्या सही है कि गलत, ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, जो कि है देखिए आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रू है, सही है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूँ जो कि पिछला आपको एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, और देखिए उसी का ये आंसर की का क्वेश्चन है जो कि मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और इस बार आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस हिसाब से, और मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन में कंप्लीट तैयारी में आप लोगों को इस पर कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी के लिए, ठीक है। चलिए आज का देखिए अगला क्वेश्चन आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज़ बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना डेस्कटॉप की साइज़ आपको बदलनी है ना, तो कंट्रोल उसके बाद से माउस को स्क्रॉल व्हील करना पड़ता है, ठीक है। यानी इसका क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, तो कैपिट लॉक करने के लिए, ठीक है। जो ये वर्ड है ना विंडोज़ प्लस एल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है विंडोज़ प्लस एल, ठीक है। तो ये उपयोग करता है कैपिट जो कि होना कीपैड लॉक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होता है, कीपैड लॉक करने के लिए किया जाता है विंडोज़ प्लस एल का शॉर्टकट की का इस्तेमाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ना स्टार्ट मेन्यू को ना डिस्प्ले या हाइड करने के लिए विंडोज़ की
जो कि होता है इसका आंसर राइज करने के लिए विंडोज़ की करना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस ई शॉर्टकट की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विंडो प्लस ई शॉर्टकट की जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, ठीक है। जो इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विंडो प्लस ई, ठीक है, शॉर्टकट की का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विंडोज प्रोसेसर जो कि वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो देखिए पहला आता है एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद वर्ड पैड, उसके बाद से नोट पैड। तो आप लोगों का वर्ड पैड है जो है ना ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो इसमें बोला है कि विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो जो बटन जो कि शॉर्टकट बटन होता है ना वो होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होता है। बाकी आइकन साइबर जो कि इनमें से कोई नहीं, बाकी इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ना मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गेटवे, मॉडेम, स्विच और हब। तो इसमें मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होता है, मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है वाईफाई का अर्थ क्या है। वाईफाई क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी है जो, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई आप लोगों का, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से फायरवॉल क्या होता है, ठीक है, फायरवॉल क्या होता है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स ये जो कि वीडियो ट्रिपल सी के सभी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आ गई या फिर कोई वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई करना है, अपडेट पाने के लिए रेलवे की कोई न्यूज़ आ गई, किसी भी चीज़ की न्यूज़ आ गई, तो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए या सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में CALC में फाइल जो कि एक्सटेंशन है जो कि लिब्रा ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन है, तो .ods, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है, .ods लिब्रा ऑफिस में, ठीक है। लिब्रा ऑफिस लेटर जो कि है ये लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। लिब्रा ऑफिस स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है, तो ये कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होता है, कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आ जाता है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर जो कि स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, ये सही है कि गलत है आपको ये बताना है। जो कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड से जो कि में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा या नहीं दिखाएगा, क्या सही है कि गलत है, तो ये चीज़ सही है आप लोगों के बताना है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, लिब्रा ऑफिस राइटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। अगर लिब्रा ऑफिस राइटर में आप लोगों को कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C होता है, ठीक है। Ctrl+C करने से कॉपी हो जाती है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट रहती है। अगला क्वेश्चन था, लिब्रा ऑफिस CALC में फाइल एक्सटेंशन है तो .ods, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, .ods है। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, लिब्रा ऑफिस CALC फार्मूला काउंट B1 रेशियो B3 का परिणाम होगा, ठीक है, परिणाम क्या होगा, जहां B1 = 5, B2 = 4, B3 = 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में देखिए
ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही डेली का क्वेश्चंस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और डेली ट्रिपल सी की क्लासेस का मैं क्वेश्चंस अपलोड किया करूँगा इस चैनल पे, और साइंस की भी क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ऐसे GD के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूँ। और जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेगी वो रेलवे के, क्योंकि मैं रेलवे में खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मुझे पता है कि कहाँ से रेलवे कैसा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हार्डवेयर डिवाइस में जो डाटा को अर्धपूर्ण जो कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है वो, जो कि हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्धपूर्ण, ठीक है, ये सॉरी अर्धपूर्ण कन्फर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। प्रोसेसर डी इज़ द राइट आंसर, इसका प्रोसेसर कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन बताया TCC के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में आप लोगों के आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली क्लास जो कि 6:30 बजे मैं आप लोगों के चैनल पर क्वेश्चन अपलोड कर दिया करता हूं, तो आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।